हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी क्लास 12 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर में कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपको डिफाइन करना है कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो होता है वो एक कला होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जो है धीरे धीरे अपलोड होंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको हेडिंग दिख रहा होगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, है ना? सो व्हाट इज एन आर्ट? कला किसे कहेंगे? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल अडैप्टेशन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास स्किलफुल पर्सनल एप्लीकेशन नॉलेज है, प्रीवियस जो आपका नॉलेज है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी डिजायर्ड रिजल्ट को, किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, है ना? आर्ट इज द स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप कुछ चीजें अचीव कर सको, कुछ गोल्स आप अचीव कर सको, है ना? तो उसे हम कहेंगे आर्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, है ना? अब ये जो आर्ट जो नॉलेज है वो आपको स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपीरियंस के थ्रू ये सारी चीजें जो है आप एक्वायर करते हो, आपके पास आती हैं, है ना? जी, तो सिंस सिंस ऊपर की तरफ चलते हैं, सिंस आर्ट इज कंसर्न विद द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न्ड, है ना? जो बात यहाँ पे बोली गई कि ये है कि जो आर्ट जो है वो एक तरीके से पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के साथ एक तरीके से वो जुड़ा हुआ है। तो उस केस में आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी जो है, जो पर्सनल क्रिएटिविटी है किसी काम को करने को लेकर के, उसका रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप जब किसी काम को अलग तरीके से करते हो तो ही आपकी पहचान बनती है ना? देखो, मैनेजमेंट तो तकरीबन हर एक कंपनी की अपनी अपनी होती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग मैनेजर के पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनके काम करने का तरीका थोड़ा क्रिएटिव है, उनमें इंटीग्रिटी है ना? तो इन सारी चीजों के कारण जो है मैनेजमेंट एक आर्ट है। और आर्ट में कहा जाता है कि जिस तरीके का मैनेजर होगा वैसे ही उसकी कंपनी रन करेगी, वैसे ही उसकी कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम होगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जिसके जरिए ये प्रूव करने की कोशिश की जाएगी कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। तो देखो, द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। अब आर्ट की क्या क्या बेसिक फीचर्स होती है आप इसको पढ़ दो, आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, है ना? चलो फिर देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ, तो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। आर्ट प्रपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना? आर्ट जो है हमारा कुछ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड करता है। एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज हैव ड्राइव्ड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट, है ना? तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने रिस्पेक्टिव एरियाज जो उनके हैं, है ना, जो काम करने का जो रिस्पेक्टिव एरिया होगा उसमें उन लोगों ने बहुत सारे सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज या डेफिनेशंस बनाई है जिनको ध्यान में रखते हुए जो है आगे के काम को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, है ना? तो ये जो लिटरेचर होता है, देखो, किसी भी तरह का साहित्य अगर डांसिंग के ऊपर है, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है, या फिर एक्टिंग के ऊपर है, या म्यूजिक के ऊपर है, तो ये सारी चीजें जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है। क्यों? क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये सारी चीजें सीखी जाती हैं, और ये सीख तभी पाओगे जब कोई आपको सिखाएगा। मतलब उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज था तभी उसने आपको ये नॉलेज ट्रांसफर किया, है ना? तो जो भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको ट्रांसफर किया जाता है लोगों में, और फिर उस लोग जो है उस चीज का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में, अपने डिफरेंट एप्लीकेशन में, राइट? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जी हाँ, आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है। लोग अपने तरीके से मैनेजमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ पर्क्स और बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज जो अच्छे काम करते हैं उनको, है ना? द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना? जो बेसिक नॉलेज होता है वो वैरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मेरे पास कुछ ज्यादा जानकारी है तो जरूरी नहीं है कि वही जानकारी किसी और के पास हो, या किसी और के पास मुझसे ज्यादा जानकारी है, ये भी पॉसिबल है ना? तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नॉलेज जो है वो वैरी करता है। आर्ट देयर फॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। जो आर्ट जो है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है ना? क्योंकि वेरी टू वेरी कर रहा है, एक से दूसरे इंसान में वो वैरी कर रहा है। इसका मतलब किसी एक का कुछ एक लेवल का है, दूसरा का किसी और लेवल का है। मतलब ये पर्सनलाइज्ड है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना पर्सनल एक कंसेप्ट है आर्ट को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स और टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर एक्ट,
सिंपल सी बात है। दो टीचर ही, यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग खूबसूरत सा एकदम पीडीएफ बना करके, पीपीटी बना करके आपको पढ़ाएंगे, तो वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, ऐसा नहीं है। पर मैं यकीन रखता हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको बुक से पढ़ाऊँ, क्योंकि बुक में भी आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप एक तरीके से एक तरीके से फैमिलियर हो पाओगे चीजों के साथ। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, दो लोगों के बोलने का तरीका, दो डांसर्स के डांस करने का तरीका, दो एक्टर्स के एक्टिंग करने का तरीका हमेशा ही जो है वो अलग रहेगा जब भी वो अपने आर्ट को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, है ना। तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, है ना। तो जो भी आर्ट होता है वो सारी की सारी प्रैक्टिकल्स होती हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और इसमें जो है इन्वॉल्व होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास है, जो एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल करो इस काम को पूरा करने में। वी नो दैट ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स, है ना। आप हम सभी को पता है कि जो बेसिक है वो जो म्यूजिक है वो 7 बेसिक नोट्स के ऊपर बना हुआ है, सा रे गामा पा धा नी सा, आपने सुना होगा, है ना। हाउएवर व्हाट मेक्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ म्यूजिशियन यूनिक और डिफरेंट इन हिज यूज ऑफ दोज नोट्स इन अ क्रिएटिव मैनर, दैट इज एंटायरली हिज ओन इंटरप्रिटेशन। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, उसका इंटरप्रेट करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका। सारे गामा पा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी, आप गाना भी बहुत अच्छा गाने लगोगे। तो ये जो सारे गामा पा धा नी सा है ना, ये 7 जो नोट्स है, इन्हीं नोट्स में जो है सारे के सारे गाने बनते हैं, है ना। तो आपका नोट्स को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपने गाने में, आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, ये सारा का सारा जो है ये आपका यूनिक फीचर होगा, ये आप ही कर पाओगे, कोई और आपके तरह नहीं कर पाएगा। इतने सारे जो सिंगर्स हुए हैं, इतने सारे सिंगर्स फेमस क्यों हैं, लोग एक दूसरे से अलग क्यों हो पाते हैं सिंगर्स, क्योंकि सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से गाना गाते हैं, है ना। उनका जो नोट होता है इस्तेमाल करने का वो डिफरेंट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके जरिए आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट can be said to be an art since it satisfies the following criteria. अब management को भी art बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ criteria है जिसको management जो है वो fulfill करता है। सबसे पहला criteria क्या है? A successful manager practices the art of management in the day-to-day job. थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो आर्ट जो है प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट में, इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ पे देखो जो मैनेजर है वो एक तरीके से आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी जो प्रीवियस स्टडी है ना, उसको देखते हुए, स्टडी को करते हुए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो मैनेजमेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये भी एक आर्ट कहलाएगा। There is a lot of literature available in the various areas of management like marketing, finance and human resources which the manager has to specialize in, है ना। तो मार्केटिंग के यहाँ पे देखो, आई मीन मैनेजमेंट के देखो, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारे के सारे एरियाज हैं जहाँ पे मैनेजर को एक तरीके से पढ़ाई करना होता है, स्पेशलाइजेशन लेना होता है, तब जाकर के वो वहाँ पे अपॉइंट हो पाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स, जो आपका एचआर होता है, जो आपको नौकरी देता है ना, उसका काम है एचआर। तो उसने एमबीए किया है एचआर में, है ना, उसने मैनेजरशिप अपना कंप्लीट करा है, जो उसका स्पेशलाइजेशन है वो एचआर था। किसी का फाइनेंस होगा, किसी का मार्केटिंग होगा, आपने एमबीए बीबीए का नाम सुना होगा, है ना। तो लोग जब ये कोर्सेज करते हैं तो उनको ये मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब में चूज करना होता है कि वो किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, है ना। तो वो लोग जो है उस चीज की स्टडी करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, डेफिनेटली वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपाउंडेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स व्हिच प्रिस्क्राइब अ सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, है ना। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि बहुत सारे रेनाउंड जो मैनेजमेंट थिंकर्स हुए हैं उन लोगों ने प्रिस्क्राइब करी, उन लोगों ने बताई है, वो सारी की सारी चीजें जो है तकरीबन हर एक जगह पे यूनिवर्सल है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंडिया में चल रहा है वो यूएस में नहीं चल रहा है, जो मैनेजमेंट का तरीका हमारे इंडिया में चल रहा है वही मैनेजमेंट का तरीका यूएस में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ना। तो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जिसका इस्तेमाल जो है तकरीबन हर एक जगह पे किया जाता है। तो आर्ट में भी वही होता है, है ना। अ मैनेजर अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, है ना। जो मैनेजर होता है वो साइंटिफिक मेथड अपना इस्तेमाल करता है, जो नॉलेज ऑफ बॉडी है उसका इस्तेमाल करता है किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, है ना। एंड इशू, किसी भी तरह का इशू के लिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए, है ना, और अपने ही अलग अंदाज में वो जो है चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि पर्सनलाइज्ड होता है।
A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो वही होता है जो कि इन सारे के कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर के चले. वो प्रैक्टिस भी करे, वो क्रिएटिविटी भी हो उसमें, उसमें इमेजिनेशन भी हो, इनिशिएटिव भी ले सके, कोई काम स्टार्ट कर सके और इनोवेशन कर सके चीजों में, है ना, तो ही वो हो पाएगा. A manager achieves perfection after long practice. Students of management also apply these principles differently depending on how creative they are. है ना, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं मैनेजमेंट के वो भी इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो कितने क्रिएटिव हैं. वो जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे वो इसका इस्तेमाल और अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ठीक है ना, दूसरा पॉइंट था प्रूफ देने का. तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. ठीक है, अ मैनेजर अप्लाइज His acquired knowledge is in personalized and skillful manner in the light of the realities of given situation. है ना? तो personalized, जैसे कि मैं कह रहा था कि personalized information, personalized skill वो लोग जो है provide करते हैं किसी भी तरह का given situation में, है ना? He is involved in the activities of the organization. Definitely वो involved होगा. Studies critical situation and formulates his own theories for use in a given organization, given situation, है ना? तो जो भी व्यक्ति होता है वो ना किसी भी सिचुएशन को वो देखता है, समझता है, थ्योरीज फॉर्मुलेट करता है कि ऐसा सिचुएशन आने पे मैं ऐसे बिहेव करूंगा, ऐसे एक्ट करूंगा, है ना? तो हर एक सिचुएशन में वो खुद से जो है वो सारी चीजों को कर पाता है. तो देखो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड वे में काम को किया जा रहा है. This gives rise to the different styles of management, है ना? और ये एक तरीके से बढ़ावा देता है different styles of management के बारे में. The best managers are committed and dedicated individuals. जो अच्छे managers होते हैं, वो बहुत ज़्यादा committed और dedicated होते हैं अपने काम को लेकर के. Highly trained and educated, बहुत ही ज़्यादा trained और educated personal होते हैं वो. ठीक है? क्वालिटीज, उनके अंदर क्वालिटीज होती है सच एज एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, अ डिजायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन दे बिलोंग टू. वो चाहते हैं कि जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसको वो आगे की तरफ लेकर के जाए, है ना? उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर मोटिवेशन होता है, उनके अंदर इमेजिनेशन होता है, इनिशिएटिव वो लेते हैं किसी भी काम को करने का, और आगे जाकर के वो जो है एक अच्छा मैनेजर बनते हैं. तो उनके एक मैनेजर के अंदर जो है ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, और यही सारी सारी की सारी चीजें जो है आर्ट का भी हिस्सा है. All management practices are based on the same set of principles. जितने भी सारे management practices होते हैं, वो same principles के ऊपर काम करते हैं. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. है ना? एक manager दूसरे manager से अच्छा तभी हो पाता है जब वो इन सारे principles को अपने practice में इस्तेमाल कर पाता है. देखो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई करी हुई होती है, लेकिन वो पढ़ाई का इस्तेमाल जब तक आप नहीं करोगे आप बेहतर नहीं बन पाओगे. जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस चीज को ठीक तरीके से देखोगे नहीं, वीडियो को समझोगे नहीं, तो फिर आप एग्जाम में उसको लिख नहीं पाओगे. तो अच्छे तरीके से लिखने के लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है, आप समझ रहे हो ना? उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी दो मैनेजर बिल्कुल ही अलग है. एक बहुत ही ऊपर की तरफ है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, दूसरा ठीक से काम नहीं कर पा रहा. वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जो लोअर लेवल का जो मैनेजर है जो काम नहीं कर पा रहा, वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो जो है इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है जो भी प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस उसने की है. तो ये एक इशू हो जाता है. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट मैंने आपको बता दिया है. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो. और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में मैनेजमेंट एज ए साइंस में. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. बाय. थैंक यू.